सत श्रीकाल जी, KRT न्यूज़ देख रहे हो तो मैं हाँ राजेश आलूना। जिते सिक्ख्या के नाल नाल बच्चों जोड़ा स्कूलों के जोड़ा सिक्ख्या के नाल नाल जो उन्होंने उज्ज्वल भविख के लिए जोड़ा है वह यतन किए जाते हैं, उत बच्चों की एक्टिविटियां भी जोड़ा दर्शाया जाता, भावें वह स्पोर्ट्स के खेत्र च हो या इंटरटेनमेंट के खेत्र च हो या बच्चे दे विच कोई भी जी कला उसनू निखारन की गल हो। दीनानगर के पेंदे पिंड चक्करा दे विच जिहड़ा है इनाम वंड समारोह जिहड़ा संपन्न होया था, जिस दा विच मुख्य मेहमान के तौर पर जिहड़े है वह SSP गुरदासपुर पहुँचे सन, तो उस दे नाल विशेष मेहमान के तौर पर KRT इंडस्ट्रीज के जिहड़े फाउंडर ने कुंवर रोहित जी वह भी पहुँचे ने, होर भी सज्जन जिहड़े ने इत्थे पहुँचे ने अज्ज दे इस एनुअल फंक्शन दे विच, तां की संदेश जिहड़ा है वह दिता जा रहा है। तो स्कूल के जिहड़े चेयरमैन ने अभिषेक राजपूत जी, उन्हां वल्लों जिहड़ा की मैसेज दिता जा रहा है आओ सुन लैंदे आं। आज राष्ट्रीय मॉडर्न स्कूल में आने का मौका मिला और अपने छोटे ब्रदर अभिषेक राजपूत जी के साथ इस इवेंट में शामिल होने का मौका मिला और एक सक्सेसफुल इवेंट जो आज अभिषेक राजपूत जी ने ऑर्गेनाइज करा था, उसके लिए मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जितनी मेहनत और हार्डवर्क बच्चों को एक टैलेंटेड जो बच्चे इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, बच्चों के टैलेंट को इन्होंने पॉलिश किया है, तो उसके लिए इन्होंने जितनी मेहनत की है इतने एरिया में जो जिसको हम बोलते हैं कि बॉर्डर के पास का एरिया है, और इधर आके हमें लग नहीं रहा कि हम बॉर्डर के पास के एरिया में हैं या किसी सिटी में बैठे हैं। तो बाकी जितनी ये मेहनत कर रहे हैं बच्चों को स्टडी में आगे लेके आने के लिए, उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो ये करवा रहे हैं, सर्विस के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी टू सी हिज एफर्ट्स एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड हिज होल टीम एंड थैंक्स अलॉट। मैं सबका जितने भी इवेंट में आज जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बॉर्डर एरिया पड़ता है ऐसा जी, स्कूल एक विलेज में होना और बच्चे भी काफ़ी टैलेंटेड है पढ़ाई के साथ साथ और जी अच्छे मुकाम हासिल किया, खासकर बॉर्डर एरिया के जो बच्चे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कूल के लिए बच्चों के लिए और उनके। मैं बॉर्डर एरिया के जितने भी इधर पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपके टैलेंट को आपको स्टडी में आगे लेके आ रहा है, आपके टैलेंट को पॉलिश कर रहा है, आपको कुछ अच्छा नागरिक बनाने में और आगे किसी अच्छे मुकाम में पहुँचाने के लिए अगर कोई इतनी सपोर्ट कर रहा है हेल्प कर रहा है, तो आप भी उनको अपनी साइड से जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उनके साथ खड़े होके उसको करें और इसका जितना आप बेनिफिट ले सकते हैं इंस्टीट्यूट का आप लें, और अच्छे बच्चे जो आएंगे आगे समाज भी अच्छा बनेगा, एक टैलेंटेड बच्चे होंगे सक्सेसफुल एक समाज बनेगा और देश भी तभी डेवलप होगा जब हमारा समाज डेवलप होगा। तो इसके लिए मैं अभिषेक जी का अगेन वेरी आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन दिस सक्सेसफुल इवेंट, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो मैंने देखा है कि अभी पहले 2-3 साल पहले हमारे एरिया को बड़ा बैकवर्ड एरिया बोलते थे, तो अभी हमने उसको कहीं ना कहीं पे वो जो बोलते थे अभी हमने उसको ख़त्म किया, यहाँ पे भी हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं और आपने देखा ही है प्रयास कि एनुअल फंक्शन इतना बढ़िया एनुअल फंक्शन हुआ, पेरेंट्स का धन्यवाद करता चाहता हूँ, साथ में हमारे जो SSP सर हैं IPS हरीश कुमार जी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला, रोहित जी हैं कुंवर रोहित जी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मास्टर नरेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने बहुत बच्चों ने मेहनत की और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे और आज हमने इसको संपन्न किया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ में मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। हम ऐसे कार्यक्रम करवाते रहेंगे अपने एरिया में। राष्ट्रीय मॉडल स्कूल अगर बात करें तो बॉर्डर एरिया में पढ़ता है, क्या सिखाने का विशेष बच्चों को प्रयास किया है? बच्चों का हम सर्वपक्षीय विकास जिसको बोल सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। मैं इस स्कूल का चेयरमैन हूँ और चेयरमैन के नाते मैं 2017 में मैंने शुरू किया था यहाँ पे, यहाँ से अपना कैरियर शुरू किया मैंने। मैं आपको बताऊँ अभी मैंने कंपनी ओपन की, उसके बाद अभी और भी बिजनेस कर रहा हूँ, बट यहाँ से मैंने यहाँ ये धरोहर है मेरी और यहाँ जितना प्यार मेरे को स्कूल से है कि जब भी मैंने कहीं पे जाना मैं यहाँ पे जरूर आता हूँ और जहाँ पे आशीर्वाद लेके फिर मैं कहीं पे भी जाना हो मैं जाता हूँ। सो बहुत बहुत आज धन्यवाद पेरेंट्स का और बच्चों का, खास इतना टैलेंटेड है वो उनको बाहर लेके आना, यहाँ से बच्चे हमने UPSC के लिए तैयार करने, IPS IAS बनाने, यहाँ से इंजीनियर बनाने, जहाँ से ही मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे हम पॉलिटिक्स में भी भेजें कि ताको
ता जो बढ़िया काम कर सके, समाज सेवा कर, समाज सेवा को बनाने हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ, आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो उस टिप्स मेरे से ले सकते हो। और मैं प्रिंसिपल मैम का, हमारे एमडी सर का, पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम सिंह जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जी, अगर बात करें तो विद्यार्थियों और पेरेंट्स और दर्शकों का प्यार तो इतनी ठंड में बैठने के बाद हम देख चुके हैं, उन पेरेंट्स को, उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स और विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स, स्कूल का क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जिम्मेवारी ज़्यादा टीचर पे डाल देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वो भी घर पे जितना मतलब टीचर करवाते हैं उनको, उतना ही पेरेंट्स अपने बच्चे को जरूर चेक करना, घर जाके बच्चे को चेक करना उसने क्या काम किया, वो क्या कर रहा है, टीचर ने कॉपी चेक की है, उसकी डायरी चेक की है। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर पेरेंट्स ये करें तो जो कर रहे हैं आप देखा ही है, बच्चे हमारे हर साल नवोदया में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं और भी काफ़ी कर रहे हैं प्रयास सारा। अभिषेक जी, आज की सदी में जैसे बच्चे, गांव के बच्चे हैं वो शहर में पढ़ाई करने जाते हैं, जो शहर में दिलचस्पी होती है उनकी कि शहर में जाएं, अगर गांव में एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा जैसे एक बच्चे का कैरियर बन सकता है, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने तो यहाँ पे काफ़ी प्रयास किया, हमने काफ़ी यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं हमने, और काफ़ी बच्चे हमारे आपने देखा ही है सारा। और पेरेंट्स को यही मैसेज देना, देखो बच्चा अगर बाहर जाएगा जहाँ पे उनका अपना स्कूल है, कभी भी जा सकते हैं वो बच्चे, कभी भी पेरेंट्स उनके कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं बाहर, आप देखें माहौल कैसा। सो मैं यही उनको संदेश देना चाहता हूँ कि बाहर एक चीज़ बता दीजिए, जैसे आप सेवा में भी काम करते हैं, समाज सेवा काम करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई परिवार हो जो अपने बच्चों को ना पढ़ा पाता हो, जहाँ मतलब पढ़ाने का इच्छुक हो, उसके लिए कोई स्कूल के लिए प्रयास किया जाए? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हर साल हम मीडिया में देते हैं कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको फ्री एडमिशन, जीरो फीस, बुक्स भी हम देंगे, कितनी कॉस्टली बुक होती हैं, बैग हम देते हैं, सारा कुछ A to Z। और काफ़ी सालों से SGL चैरिटेबल ट्रस्ट है, मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड चेयरमैन मनजिंदर सिंह जी, वो यहाँ पे 4-5 साल से हम लगातार कैंप लगा रहे हैं, और भी काफ़ी जो आते हैं पेरेंट्स, हम उनकी मदद करते हैं। KRT फाउंडर रोहित जी वालों जोड़ा है वो इदा के स्कूल की सलाघा करते हुए जरा दसया गया है कि सरहदी एरिए इदा के स्कूल इदा दिटिविटियां वेख के वह हैरान होए ने, बच्चों जोड़ा उन्होंने माता पिता जोड़े नज़दीक होर पिंड ने एक बेनती अपील की है कि तुम इस स्कूल के आओ, क्योंकि हर एक फैसिलिटी जी इस इन्होंने स्कूलों के है, तो जिते रोहित जी वालों इस स्कूल की सलाघा की गई है, उत्थे चेयरमैन जोड़े स्कूल के राष्ट्रीय मॉडल स्कूल के अभिषेक राजपूत जी उन्होंने वालों गरीब परिवारों जोड़े गरीब बच्चे ने जोड़े पढ़ाई के खेत्र में अगे आना चाहते हैं लेकिन फाइनैशली जी हालात करके अगे नहीं आ सकते, तो उन्होंने एक ऑफर एक गिफ्ट के तौर के उत्ते जोड़ा एक मैसेज दिता है कि तुम अपने बच्चों के उज्जवल भविख के लिए इतने आ सकते हो, तुहाड़ी एडमिशन फ्री, बुक्स फ्री और होर भी जड़िया मुढ़लिया सहायता है वह भी दिखाई जाएगियाँ। तुम इस प्रयास को कितना देखते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हो। सो होर भी अपडेट अपने चैनल के माध्यम द्वारा साझा करते रहेंगे, अपने सहयोगी राजन रंधावा के नाल, मैं राजेश नूना, KRT न्यूज़, 3 नगर।